बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो मेरी गाय के मुतलक है। गाय का सींग ख़राब हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे, तो उसकी आज हम पट्टी कर रहे हैं। तो ये बड़ी गाय है और बिल्कुल ही जो है ना कमज़ोर हो चुकी है। तो इस वक्त आपको दिखाएं कि ये इसका सींग है, इसमें कीड़े पड़े थे और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो इस वक्त ये काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम इसकी सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद इसकी जो है ना इसमें दवाई भरेंगे और इसकी पट्टी चेंज करेंगे। ये देखें, ज़ख़म के गिर्द जो है ना हम पानी के साथ इर्द गिर्द की गंदगी जो है वो साफ़ कर रहे हैं। और कपड़ा रखेंगे उत्तर रखो। मक्खियों से बचने के लिए ये ज़ख़म के ऊपर हमने कपड़ा रख दिया है और इर्द गिर्द का जो एरिया है वो उसको सफाई हो रही है। ये देखें जी, सफाई का अमल जारी है। ये देखें, मक्खियाँ भी जानवर को तंग कर रही हैं, लेकिन ये जानवर के ज़ख़म सफाई में भी जानवर को तकलीफ़ हो रही है, तो वो परेशान है। वो पागल दी बच्ची, हाथ ज़्यादा लग गया तो कच्चा हो जाएगा। सबर है। सींग का जो सुराख है उसके अंदर दवाई डाल रहे हैं। ज़ख़म की दवाई से फीलिंग हो चुकी है, अब हम उसको बंद करने के लिए दूसरी दवाई जो है उसके ऊपर डाल रहे हैं ज़ख़म के, ताकि वो अंदर जो दवाई पाउडर है उसको रोक ले। ज़ख़म पर दवाई लग चुकी है, अब पट्टी बांधने का अमल शुरू हो गया है। ये पट्टी इसलिए बांधेंगे कि ये मक्खियाँ वगैरह ना बैठें और जो दवाई हमने लगाई है वो इसके अंदर ज़ख़म के अंदर मौजूद रहे। व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।